इसका मतलब हम जहीं पे शुरू किए थे वहीं पर घूम फिर कर वहीं पर आ गए तो इसका मतलब पूरी की पूरी फ्लोरीकल्चर का हम हमारा कवर हो चुका है अगर आप कोई भी एम देखेंगे अभी आपको लगेगा कि ये मैंने पहले किया है सो इसका आंसर सभी को पता है पैराडाइज होता है और एट टेरास एट पैराडाइज प्लानट कितना था प्लानट सेवन था और नाइन प्लानट था यू जस्ट ट्राई टू आंसर और जुडियाक् साइन कितना था ट्वेल्व था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये सारे मुगल गार्डन का स्पेसिफिक फीचर uh, है ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू दैट ट्वेल्व टेरास ऑफ मुगल गार्डन हाँ ये तो होगा जोड़िया की होगा आंसर हमारे डिफरेंट डिफरेंट गार्डन में हमने डिस्कस किया है मुगल गार्डन में क्या क्या फीचर है फ्रेंच गार्डन में क्या क्या फीचर है इटालियन गार्डन पे क्या क्या फीचर है ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए अगर आप गार्डनिंग पढ़ रहे हैं तो तो द टिपिकल फीचर ऑफ मुगल गार्डन इंक्लूड्स हाँ हमने डिस्कस किया था पूल है फाउंटेन्स है चैनल्स भी होगा ओके okay? तो ये सारे अवेलेबल होता है मुगल गार्डन पे ओके तो ऑल ऑफ दी देखिए मुगल गार्डन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मानते हैं हम मानते हैं राष्ट्रपति भवन ओके राष्ट्रपति भवन में आपको ये सारे चीज मिलेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रिटिश गार्डन और आप बोल सकते हैं इंग्लिश गार्डन ओके सर्च फॉर सस्टेनेंस इज ए डेवलपमेंट पीरियड ऑफ देखिए पहले तो सस्टेनेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए उसके बाद सर्च ऑफ सस्टेनेंस कौन सा वाला गार्डन में अंदर आएगा वो आप क्लिक कर सकेंगे पहले तो सस्टेनेंस के मतलब देखते हैं सस्टेनेंस इज अ मीन ऑफ सपोर्ट मेंटेनेंस और सबसिस्टेंस लिविंग मतलब लाइफ को ऐसे तरह जीना है कि आपको सपोर्ट वो कर रहा होगा लाइफ को मेंटेन करके जी रहे होगे सबसिस्टेंस ये सारे के सारे चीज आपको मिलेगा गार्डन में आपको मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखें अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और गार्डेन में चला जाता है तो फिर आपको रिलैक्स फील होता है ओके यही एक्चुअली होता है सस्टेनेंस मतलब सस्टेनेबल वे में हमको जीना है तो ये कौन सा वाले गार्डन से रिलेटेड है ये आप याद रखेंगे इंग्लिश गार्डन से ओके ऐसे आप याद रख सकते हैं सस्टेनेंस ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है डिक्शनरी में है तो ये इंग्लिश ऑब्वियसली हो सकता है इंग्लिश देखिए एक्चुअली सस्टेनेंस क्या है उसके बारे में अगर जानना है तो फिर आपको गार्डनिंग बुक पढ़ना पड़ेगा बहुत बहुत लंबी हिस्ट्री है मैं आपको यहाँ पर ये समझ रहा हूँ किसे आपको एग्जाम में क्लिक करना है एग्जाम में तो ऑप्शन फोर ऑप्शन होगा ना तो उनमें से आपको किससे क्लिक करना है इसीलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो प्रैक्टिकली नहीं है पर आप क्लिक कर सकेंगे तो पीरियड ऑफ सर्च फॉर सस्टेनेंस ओके जो पीरियड था देखिए ये जो टाइम पीरियड है ना इसको याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसलिए मैं इसको एक ऑर्डर में डाल दिया हूँ मतलब पहले आएगा 1580 तक उसके बाद आएगा 1500 से uh, 1800 समथिंग लाइक दैट ओके तो एक ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दिया क्वेश्चन वही ऑर्डर पे है तो इसीलिए आपको याद रखने में आसानी होगी जैसे कि सर्च फॉर सस्टेनेंस अगर कोई सवाल आए तो फिर आपको क्लिक करना है अपर लिमिट होगा पंद्रह एडी उसके बाद देखते हैं पीरियड ऑफ एलिजाबेथन देखिए इंग्लिश गार्डन रिलेटेड टू सस्टेनेंस है जो का अपर लिमिट जिसका था पंद्रह एडी ओके okay, देन uh, अगर पूछा जाए पीरियड ऑफ एलिजाबेथ पंद्रह सो एडी आ जाएगा लोअर लिमिट पे मैंने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पंद्रह सो से सत्रह सो एडी तक ओके नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है पीरियड ऑफ रिटर्न टू एनेर ओके रिटर्न टू एंचर ये भी इंग्लिश गार्डन से रिलेटेड है पहले इंग्लिश गार्डन से रिलेटेड होता है सस्टेनेट देन इंग्लिश गार्डन से रिलेटेड एलिजाबेथन देन रिटर्न टू एंच तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ये ऑब्वियसली 1700 होगा मिनिमम लिमिट लोअर लिमिट होगा सत्रह सो सत्रह सो एडी से अनवॉड सो दिस इज द वे यू कैन रिमेम्बर ऑल दिज क्वेश्चन ये सवाल कैसे याद रखेंगे ड्यूरिंग सर्च फॉर सस्टेनेंस मैंने आपको बताया जो सर्च फॉर सस्टेनेंस वो एक फॉर्मल लाइफ है आपको बैलेंस करना चलना पड़ेगा मेंटेन करके चलना पड़ेगा तो आप कैसे मेंटेन करते हैं गार्डन को जाकर देखिए गार्डन एक नेचुरल थिंग्स नहीं है ओके गार्डन एक नेचुरल थिंग नेचुरल थिंग नेक्चुअली क्या होता है जो हमारे इंस्टीट्यू कंजर्वेशन होता है ना जैसे की हो गया हमारा क्या हो गया नेशनल पार्क सेंचुअरी एक्चुअली इंसिट्यू कंजर्वेशन जो होता है वो नेचुरल चीज होता है गार्डन एक अननेचुरल चीज होता है क्योंकि ये मैनमेड होता है आर्टिफिशियल होता है ओके और वहीं पर जाके हम सस्टेनेंस को लाभ करते हैं मेंटेन करते हैं स्ट्रेस रिलीफ करते हैं ऐसे आप याद रख सकते हैं सस्टेनेंस मतलब चुरल मींस गार्डन एंड फॉर्मल क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी मतलब जीना चाहते हैं ओके सस्टे okay, का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ सो हियर यू कैन क्लैरिफाईट जो अभी हमने देखा इंग्लिश गार्डन में जो था रिटर्न टू नेचर जो था वो उसका पीरियड कब था सेवनटी हंड्रेड एटी टू मतलब उसके आगे ये आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड एक मिलता जुलता एक पर्सन है सी ओल सी एक्चुअली सी ये समटाइम एच ओल्स भी लिखा जाता है आपको सिर्फ उसका उनका टाइटल याद रखना है और रिलेटेड हुई आपको क्लिक करना है भाई रिटर्न टू नेचर पीरियड सर्च ऑफ सस्टेंस पीरियड पता है सभी को ये 1500 टू सेवेंटीन हंड्रेड ये वन जीरो सिक्स टू फिफ्टीन ये 1500 हंड्रेड टू एबव ओके सो ये इन, इनका तस्वीरें आप देख सकते हैं इनके बारे में अगर जानना है तो नेक्स्ट स्लाइड ओके okay, जो अभी देखे हमने वेलसी well, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे चीज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि वो आ, काम करते थे कैथोलिक चर्च में ओके okay, वो ऐसे कार्डिनल एज ए स्टेट्समैन ऐसे अक्टिशॉप ये कैथोलिक चर्च में थे आ, उनका टाइम पीरियड का एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट किंग थे जिसका नाम था हेनरी एट भी ट्रिपल आई ओके okay, बिकम ए किंग ऑफ इंग्लैंड वो तभी किंग ऑफ इंग्लैंड थे ओके okay. uh, उसी टाइम पे होल्सी बिकम द किंग ऑफ अल्मोनेर अल्मोनेर भी एक जगह का नाम है uh, जब हेनरी एट बिकम ए किंग ऑफ इंग्लैंड तभी होल्सी बिकम द किंग ऑफ अल्मोर इतना ही आप याद रखेंगे और जो जो इंपोर्टेंट है मैं उसको बोल्ड किया हुआ है सो यू जस्ट नो नीड टू ओरी यू जस्ट फॉलो दिस बोल्ड लेटर्स देन द दाइस्ट पोलिटिकल पोजिशन ऑफ होल्सी अटेंड वॉज लॉर्ड चांसेलर द किंग ऑफ चीफ एडवाइजर द किंग ऑफ चीफ एडवाइजर होते हैं सबसे ज्यादा लॉर्ड चैंसलर देखिए हेनरी जो थे हमारे किंग ऑफ इंग्लैंड उनका मैरिज होता है कैथरीन ऑफ आर्गन ओके एक्चुअल क्या होता है उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कुछ ऐसे पॉलिटिकल पावर कुछ ऐसा हो जाता है उसके बाद क्या होता होलसी है ना जो होलसी हमने अभी प्रीवियस से उनका फोटो देखे उनके नाम पे एक ट्रीजन का चार्ज हो जाता है ओके देशद्रोह का अपराध हो जाता है वो सच है या झूठ है उसको मैं तो वो नहीं बताऊंगा सिर्फ आपको इतना जानना है उनको लंदन रिकॉल किया जाता है बुलाया आ जाता है मतलब नोटिस आ जाता है आप आकर इसको आप अपना मत रखिए आपके अग्नेस्ट टू चार्ज ऑफ ट्रीजन है ओके ये सारे चीज होता था और वो नेचुरल कॉज की वजह से डाइड हो गए इसीलिए पता नहीं चला क्या हुआ था क्यों हुआ था ओके सारे के सारे एक रहस्यमय हो गया ओके उसी से मिलता जुलता एक और सवाल सीओलसी से रिलेटेड देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ ये जो हेम्पटन कोर्ट होता है जो जिनको रिकॉल किया जाता है वो आइए आपका ट्रिजन अगेस्ट कुछ है तो वही वो हो कोर्ट होता है हेम्पटन कोर्ट और उनमें कौन सा वाला किंग होता है मैंने अभी बताया किंग हेनरी भी ट्रिपल आई जो कि लंडन का किंग थे उसी टाइम पे नेक्स्ट आता है मोनोटोनियस गार्डन वेयर फीचर ऑफ देखिए मोनोटोनियस गार्डन के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये गार्डन के अंदर आता है ओके okay, तो ये कौन सा वाला फीचर है देखिए रिटर्न टू नेचर आपको पता है सेवनटीन हंड्रेड से ज्यादा एलिजाबेथन पीरियड फिफ्टीन हंड्रेड टू सेवनटीन एक्चुअली ये होता है ये एक्चुअल होता है एलिजाबेथ पीरियड में मोनोटोनियस गार्डन का फीचर आया था ओके क्लोर नोलेन देखिए नाम से पता चल गया होगा एक फ्रांस से बिलोंग करते होंगे क्योंकि नाम देखिए लोरेन लोरेन ऐसा नाम ही आता है उनका अनसेंट ऐसा ही होता है तो ये एक फ्रेंच पेंटर है बहुत ही सारे अच्छी चीज पेंटिंग किया है एक्चुअली क्यों ये गार्डनिंग में हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका मैक्सिमम पेंटिंग गार्डनिंग लैंडस्केपिंग ओके गार्डनिंग लैंडस्केपिंग इसके ऊपर आधारित है ओके इसीलिए हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर है आपको याद में रखवा के छोड़ूंगा जैसे भी करके आपको सारी चीज याद रखना पड़ेगा और मैं रखवाऊंगा ओके क्लाउडा लोरेन यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका फोटो क्लाउड लोरेन के ओके ये एक फेमस पेंटर है फ्रेंच पेंटर ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ इन इटली ओके एंड इज वन ऑफ द दर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिस्ट एंड कंटेम्प्रीज डॉच गोल्ड एजिंग पेंटिंग ये बनाए थे लैंडस्केप पेंटिंग का आ, इनका बहुत ज्यादा स्किल था इनके ऊपर मतलब लैंडस्केप पेंटिंग के ऊपर लोरेन का बहुत ही ज्यादा डेप्थ था हमने देखा अभी क्लाउड लोरेन वॉज रिलेटेड टू देखिए वही सेम चीज किंग हेनरी एट का पीरियड तो आपको पता ही है रिटर्न टू तो नेचर पीरियड आपका पता ही है एलिजाबेथ पीरियड ऑब्वियसली 1500 टू 1700 तो इसी पीरियड में ये क्लाउड लोरेन का जो लैंडस्केपिंग फीचर का जो पेंटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुआ था तो इसीलिए उनको आप याद रखेंगे क्लाउड लोरेन वॉज रिलेटेड टू एलिजाबेथन पीरियड